जम्मू कश्मीर में पत्रकार शुजात बुखारी के अंतिम संस्कार में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में लोग राइजिंग कश्मीर के संपादक शुजात बुखारी के जनाजे में हिस्सा लेने के लिए बारामूला स्थित उनके निवास पर इकट्ठे हुए थे। उनको आखिरी विदाई देने के लिए हजारों की संख्या में लोग जनाजे में शामिल हुए और आतंकियों को करारा जवाब दिया। शुजात बुखारी के जनाजे में उमड़ी भीड़ ने आतंकियों को एक बार फिर दिखा दिया कि आम कश्मीरी लोग उनके मंसूबों के पूरी तरह खिलाफ हैं। बता दें कि गुरुवार को श्रीनगर में 3 बाइक सवार आतंकियों ने राइजिंग कश्मीर अखबार के संपादक शुजात बुखारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हमले में बुखारी की सुरक्षा में तैनात 2 जवानों की भी मौत हो गई। शुजात बुखारी को कई बार आतंकियों से पहले भी धमकी मिल चुकी थी। 1 साल पहले ही पाकिस्तानी आतंकियों से उन्हें धमकी मिली थी, जिसके बाद ही उन्हें एक्स कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी। बुखारी पर हुए हमले में 1 पुलिसकर्मी तथा 1 आम नागरिक घायल हुआ। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हमले में घायल दोनों लोगों की हालत गंभीर है। पुलिस ने यह भी बताया कि इस हमले में उनकी सुरक्षा में तैनात 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे, जिनमें से 1 की मृत्यु हो गई। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हुआ कि हमलावरों की संख्या कितनी थी। शुजात बुखारी जम्मू कश्मीर के जाने माने पत्रकार थे। उन्होंने अपने पत्रकारिता जीवन के प्रारंभ से ही कश्मीर के हर मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई। शुजात ने राजनेताओं से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कश्मीर में सक्रिय पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ भी आवाज उठा चुके हैं।